हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड 5th। लास्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 क्विक मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, उसमें हमने पार्ट 1 तक हमने कंप्लीट किया था। नाउ आज हम इस वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से ध्यान देना है। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन बाय 5 उसके बारे में बात की थी। वो एक कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ और उसके रिलेटेड जो आगे के कॉन्सेप्ट है वो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कोई भी आपको नंबर है मल्टीप्लिकेशन बाय 5, तो आप कैसे करोगे? सिंपल सा कि आपको माइंड में ऐसा है कि चलो कोई भी नंबर दिया 184 बाय 5, चलो ऐसे। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है, यहाँ हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसलिए इस चैप्टर का नेम ही है क्विक मल्टीप्लिकेशन। सो ध्यान दो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 184 बाय 5। 184 को हमें क्या करना है? 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको माइंड में ऐसा होना चाहिए। अब देखो, आपको कोई भी डिजिट है उसको 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप क्या है आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, जीरो ही ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ कोई भी नंबर दिया गया है उसके आसपास कौन सा 10 वाला नंबर है, 100 वाला है या 1000 वाला, उसके साथ पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है एंड फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई 184 बाय 5, हमें क्वेश्चन दिया गया है 184 बाय 5, 184 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले 5 के नज़दीक नंबर क्या होगा, 10 होगा ना, 10 इजी होगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 184 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 184 मल्टीप्लाई 10 तो क्या होगा, 1840। चलो इतना हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि 184 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, 1840। लेकिन क्वेश्चन में हमें किसके साथ पूछा गया है, 184 बाय 5, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया, 10 के साथ किया, लेकिन आपको करना किसके साथ था, 5 के साथ करना था। तो आपको डिवाइड करो 5 2 10, तो जो हमारा आंसर आया है उसको आप 2 के साथ डिवाइड कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा, 184 बाय 5 का आपका आंसर मिल जाएगा। सो मैंने सेकंड स्टेप क्या लिखा, 10 डिवाइडेड बाय 2, जो 2 कहां से आया आपको समझ में आया, आपने पहले मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया, 10 के साथ, लेकिन करना था किसके साथ, 5 के साथ, तो वो दोनों का डिविजन किया तो हमारा आंसर क्या आया, 2। सो हमारा जो पूरा आंसर है 1840 उसको क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 920। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 25। अब 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखो एग्जांपल मल्टीप्लाई 116 बाय 25 के 116 है उसको 25 के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले सोचो, चलो आपको 25 दिया गया है तो 10 इजी होगा या 100, क्योंकि छोटे नंबर से तो नहीं कर सकते, बड़ा नंबर कौन सा है, 100, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई 116 बाय 100, तो 116 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट मल्टीप्लाई 116 बाय 100, 116 मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारा आंसर क्या आया, 11600। नाउ चलो हमें फिर से वही हम स्टेप करेंगे। चलो हमने कितने के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 100 के साथ, लेकिन करना था किसके साथ, 25 को साथ, तो दोनों का डिवीजन करो, 25 4 100, तो हमारा जो आंसर आया है 11600 उसको 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल आंसर 116 मल्टीप्लाई 25 का आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, देन डिवाइड बाय 4, 11600 डिवाइड 4, हमारा आंसर क्या आ गया, 2900, वो हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर। नाउ ऐसा ही आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको अपने आप मेरे साथ आपको करना है, ध्यान देना अच्छी तरह से, मल्टीप्लीकेशन बाय 50, अब 50 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है तो मेरे साथ आपको ध्यान देना है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं, 133
मल्टीप्लाई 133 बाई 50, कि 133 को हमें 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, चलो क्विकली कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 100 के साथ। राइट आंसर कि फर्स्ट मल्टीप्लाई 133 मल्टीप्लाई 100, तो 133 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,300 आंसर मिला। नाउ अब क्या करोगे कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया, 100 के साथ। सर करना था किसके साथ हमें, 50 के साथ। चलो डिवाइड करो, 0 कट, 5 2 10, तो हमारा जो आंसर आया है 13,300 उसको कितने के साथ डिवाइड करना होगा, 2 के साथ डिवाइड करना होगा। सो देन सेकंड स्टेप होगा हमारा, देन डिवाइडेड बाय कितना, 2। सो 13,300 उसको आप डिवाइड करो 2 के साथ, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6,650। कितना आएगा, 6,650। आपको डिवीजन तो आपको आते ही है, डिवीजन करके चेक कर लेना है आंसर। सो आपको मल्टीप्लीकेशन बाय 5, मल्टीप्लीकेशन बाय 25 एंड मल्टीप्लीकेशन बाय 50 के जो कोई भी सम्स एक्सरसाइज में आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 102 एंड 98। चलो 102 एंड 98 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो कैसे होगा ध्यान देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 413 को हमें 102 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 413 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है, 102 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले देखो ये 102 को देखो, 102 उसको हमें क्या करना है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे कि 102 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 + 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 100 + 2, क्योंकि 100 हमें क्या देखना है कि 100 कि कोई ऐसा नंबर 100,000, तो उससे हम इजीली मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 100 + 2। नाउ ऐसे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, याद है आपको, जब हमने ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो हमने क्या किया था, बारी बारी एक पहले एक बी के पास गया तो ए मल्टीप्लाई बी किया था, बीच में प्लस की प्लस साइन की, फिर क्या क्या हुआ ए सी के पास चला गया, तो वही फॉर्मूला हमें यूज करनी है। तो देखो चलो अब हमारा क्या होगा, 413 है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, 100 के पास, तो ब्रैकेट में 413 मल्टीप्लाई 100, बीच में प्लस है तो प्लस की साइन, अब फिर से 413 है वो कहाँ चले जाएगा, 2 के पास, तो 413 मल्टीप्लाई 2, तो 413 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा, 41,300, और 413 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 826। ये दोनों का एडिशन करो तो आपका फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 42,126। हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज किया। पहले क्या करना है कि 102 के 105, चलो 105 दिया होगा तो आप क्या करोगे, 100 + 5, 103 दिया हो तो 100 + 3, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर दोनों के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। और लास्ट सम है इस वीडियो में, 148 मल्टीप्लाई 98। अब देखो 98 है वो तो 100 से कम है ना, तो हम क्या करेंगे, 100 - 2, तो 98 ही हुआ ना। सो देखो 148 है तो 98 का हमने क्या किया, 100 - 2। अब बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, पहले 148 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100, बीच में माइनस का माइनस साइन, फिर 148 का क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 148 मल्टीप्लाई 100 करे तो कितना आएगा, 14,800, उसमें से 296 कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 14,504। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इस
कॉन्सेप्ट है जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे लर्न करने हैं थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सो अब जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।